नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, HAL ने एरो इंडिया 2021 में कैट्स हंटर को शोकेश किया था। तो ये दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवांस मिसाइल होने वाली है, क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट पर अभी रशिया, चाइना और साथ में US ने भी काम करना नहीं शुरू किया है। तो ऐसे में इसके बाद अब एक बड़ी अपडेट ये निकल कर आई है कि अब ये दुनिया की पहली रिकवरेबल एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल यानी कि ALCM होने वाली है। तो दोस्तों, ये एक लॉन्ग रेंज की एकदम एक्यूरेट मिसाइल होगी जो कि इंफ्रारेड इमेजिंग के साथ आएगी, तो ये इसे और ज़्यादा एक्यूरेसी एक तरह से देगा। और दोस्तों, इसके बाद ये जिन ड्रोन्स को कैरी करेगी तो उनसे ये और ज़्यादा घातक बनती है, साथ में ये दुनिया की सबसे दिलचस्प मिसाइलों में से एक बन जाती है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ये मिशन के दौरान अपने तय टारगेट को भी बदल सकती है। यानी कि मान लीजिए, अगर हमने ए टारगेट को एक तरह से तय किया है कि उसके ऊपर अटैक करना है, लेकिन मिशन के दौरान अगर किसी भी तरह की सिचुएशन को देखते हुए हम उस टारगेट को भी बदल सकते हैं, जिससे दुश्मन के बचने के चांसेस है वे और ज्यादा कम हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप सबको पता है कि दुश्मन भी रिटेलिएट तो करता ही है अपने बचाव के लिए, अपने या डिफेंस के लिए। और इसके बाद इंफ्रारेड इमेजेस के कारण ये बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकेगी। तो ऐसे में ये भारत की एकदम एडवांस और साथ में दुनिया की भी सबसे ज्यादा एडवांस मिसाइल होने वाली है, जो कि मिसाइल्स के मामले में भारत को बहुत ज्यादा एडवांटेज दिलाएगी अमेरिका, रशिया और साथ में चाइना के ऊपर। और दोस्तों, इसी के साथ ये जो टेक्नोलॉजी है, इस पर केवल भारत ही काम कर रहा है अभी के लिए। अभी दुनिया का कोई भी देश इस तरह के कॉन्सेप्ट पर काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में भारत के पास पूरा एडवांटेज है कि हम जल्द से जल्द इस मिसाइल को बनाकर दुनिया के सामने हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका लोहा मनवा सकते हैं। और इसके बाद अगली अपडेट भारत के हाइपरसोनिक वेपन्स को लेकर है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और बड़ी तेजी से हाइपरसोनिक वेपन्स को बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और इसी के तहत हमने पिछले साल हाइपरसोनिक वेपन्स को लेकर बहुत से टेस्ट किए, जिसमें सबसे पहले टेस्ट तो यही था कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन व्हीकल का। और इसके बाद हमने दूसरे मिसाइल्स के भी टेस्ट किए, और भी जो हाइपरसोनिक वेपन्स के लिए जो वाइंड टनल होती है उसका भी भारत ने एक तरह से काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसे में भारत बड़ी तेजी से हाइपरसोनिक वेपन्स की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इसके बाद भारत ब्रह्मोस 2 को भी बना रहा है, और साथ में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी कि HGV-202F के ऊपर भी भारत काम कर रहा है, जो कि एडवांस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में भारत एक NGRM भी बना चुका है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है। और साथ में खास तौर पर ये दुश्मन के जो रडार हो गए या ट्रैकिंग सिस्टम हो गए या जो कम्युनिकेशन सिस्टम हो गए, उनके लिए ये जो मिसाइल है वो डिज़ाइन की गई है। और भारत इसके टेस्ट भी कंप्लीट कर चुका है, जो हमारा Sukhoi-30 MKI एयरक्राफ्ट है उससे। और दोस्तों, इसके बाद भारत रुद्रम 2 मिसाइल के ऊपर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक होगी, यानी कि 100 किलोमीटर तक उसकी जो रेंज है उसे एक्सटेंड इसमें कर दिया जाएगा। और साथ में उसका जो वेट है वो 800 किलोग्राम तक होगा, यानी कि बड़े मिलिट्री एसेट्स को वो निशाना बनाने के लिए एक तरह से भारत डिज़ाइन कर रहा है। यानी कि ये मिसाइल बड़े मिलिट्री एसेट्स या जो मिलिट्री बेस है उनके लिए होगी, जिससे हम दुश्मन की जो मिलिट्री फैसिलिटी है या जो सप्लाई चैन है उसको रोक सकते हैं। और आप सबको पता है कि युद्ध के दौरान सप्लाई चैन कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। और दोस्तों, इसके बाद ये जो दोनों मिसाइलें हैं, इनका जो वॉरहेड है वो अलग अलग होगा। लेकिन दोस्तों, इस सब के बाद इस सीरीज की जो रुद्रम 3 मिसाइल होगी, जो कि नेक्स्ट जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल होगी, तो वो सबसे ज़्यादा एडवांस मिसाइल होगी इस सीरीज की, जो कि एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है। यानी कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल तो होगी, साथ में सबसे बड़ी बात, हम उसे किसी भी एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर सकेंगे। जैसे कि रशिया के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसे वे अपने MiG-31 से भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ऐसे में भारत के पास ये भी एडवांटेज रहेगा। और दोस्तों, ये जो मिसाइल है रुद्रम 3, इसकी जो रेंज है वो 500 किलोमीटर तक होगी, साथ में इसका जो वेट है वो 1000 किलोग्राम तक होगा। यानी कि ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल होगी, साथ में मास डिस्ट्रक्शन के लिए भारत की तरफ से डिज़ाइन की जा रही है। और इसके बाद इसकी जो स्पीड है, यानी कि आप सबको पता है कि हाइपरसोनिक वेपन्स के लिए 5500 किलोमीटर पर आर की स्पीड चाहिए होती है, तो इसकी जो स्पीड है वो लगभग 6000 किलोमीटर पर आर के आसपास बताई जा रही है। और ये बड़े परमाणु ठिकानों और साथ में मिलिट्री बेस को उड़ाने के लिए भारत काम में लाएगा, और ये एंटी शिप मिशंस के लिए भी भारत के लिए एकदम परफेक्ट मिसाइल होगी। और आप कह सकते हैं कि भारत का सीक्रेट प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं है, और ना ही इसके ऊपर कुछ खास बात जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं वे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।